आदित्य, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, पावर प्ले सेगमेंट के लिए कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे? एक स्टॉक की चर्चा कर ली है शेषा, पेट्रोनेट एनर्जी जो मुझे अच्छा लग रहा था। एक और स्टॉक अच्छा लग रहा है सीईएससी, एक बहुत अच्छा हमने अपमूव देखा था स्टॉक में, कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद वापस कंटिन्यूएशन हो रहा है अपमूव का, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी सीईएससी में। ऊपर में टारगेट लगा है 200 रुपए का और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 185 का, तो 185 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 200 रुपए का टारगेट लगाना है। और दूसरा स्टॉक रहेगा ओएनजीसी, उसमें भी एक बहुत अच्छा अपमूव आ रहा है, तो मुझे लग रहा है उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए टारगेट रहेगा 314 रुपए का और नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 304 रुपए का। बिल्कुल, तो ये है राय आती हुई आदित्य जी की तरफ से। बढ़ते हैं राजेश जी की तरफ। राजेश जी बताइए, आपकी पसंद क्या है? देखिए, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट में है, तो यहाँ पे मैं फ्रंटलाइन काउंटर्स के साथ ही जाना पसंद करूंगा। मेरा जो फर्स्ट रिकमेंडेशन है वो है कोल इंडिया स्टॉक। अगर आप देखें तो काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था एंड अभी यहाँ पे 500 के ऊपर क्लोजिंग देगा ऐसा दिख रहा है। वॉल्यूम स्ट्रक्चर एज वेल एज फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है, एज वेल एज एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, उसके ऊपर भी क्लोज दे रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव आपको कोल इंडिया में देखने को मिल सकता है। 501-502 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 495 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड यहाँ से स्टॉक जो है 524-527 जो इसका प्रीवियस हाई है वहाँ तक रिटेस्ट हो सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक्स है वो है रिफाइनरी से, जो हमारा ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। तो BPCL जो है स्टॉक एक काफ़ी अच्छा बेस बन रहा है स्टॉक 89 EMA पे। दूसरे जो काउंटर्स है जैसे कि MRPL, HPCL, IOC उनमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव आया है और ये स्टॉक में जो है एक कैचअप मूव आ सकता है, एक अच्छे बेस बन रहा है 89 EMA पे। तो 305-306 का भी करंट भाव है, 299 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से 323-325 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो BPCL और कोल इंडिया पर खरीदारी की राय राजेश जी की तरफ से आती हुई। सीमेंट सेक्टर पर नजर डालते हैं और अंबुजा सीमेंट पर आज नोमुरा की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया, खरीदारी की राय दी और पहले जो 500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य था वो अब बढ़ाकर 780 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी सबसे ज़्यादा और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है सीमेंट सेक्टर में, जिसके चलते कंपनी का जो टारगेट है कैपेसिटी का करीब 140 मिलियन टन की कैपेसिटी कंपनी अचीव करना चाहती है FY28 तक, वो कंपनी अचीव भी कर पाएगी। कंपनी के मार्जिन्स बढ़ सकते हैं करंट लेवल से। इसके अलावा याद रखिए सीमेंट सेक्टर में कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है और अंबुजा सीमेंट ने ऑलरेडी कुछ एक्विजिशंस अनाउंस किए थे पिछले कुछ क्वार्टर्स में और ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो इस रिपोर्ट के चलते स्टॉक भी आज फोकस में है, करीब 2% की तेजी अंबुजा सीमेंट्स पर दिखी है। आदित्य, आपसे राय पूछना चाहूंगी, ACC और अंबुजा दोनों ही अदानी ग्रुप सीमेंट कंपनीज पर अपनी राय दीजिए। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, अच्छा खासा अपमूव सारे सीमेंट स्टॉक्स में आ चुका है हमने देखा है, उसके बाद एक छोटा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। अगर दोनों में से मुझे एक पोजीशन बनानी है किसी में तो मैं ACC के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें ट्रेंड थोड़ा ज्यादा क्लियर है। बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा मैं, पोजिशनल ट्रेड करूंगा इसमें। अगेन नीचे में 2500 का स्टॉप लॉस है और ऊपर में आपको 3000 से लेके 3300 के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। अगेन बहुत अग्रेसिव बाइंग नहीं करूंगा क्योंकि अच्छा खासा आप हमने देखा है सभी स्टॉक्स में आ चुके हैं। ये राय थी ACC और अंबुजा सीमेंट पर। याद रखे दोनों ही स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं और निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में, करीब 2% की गिरावट इंडेक्स पर दिखी है। और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा लूजर है, करीब 3.5% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है और लोढ़ा में भी करीब 3 से 3.5% की गिरावट है। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो रियल एस्टेट इंडेक्स पर ही राय दीजिए। पिछले कुछ क्वार्टर्स से रियल एस्टेट अपसाइकल के चलते निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी दिखी है, आज थोड़ी सी गिरावट है, सबसे पहले इंडेक्स पर राय दीजिए और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस और लोढ़ा ये दोनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। नमस्कार, अगर रियलिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो लास्ट फ्यू वीक से एक रेंज में ही फंसा है, कोई मेजर मूव नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो ब्रॉडर मार्केट में जो मूवमेंट है उसके कंपेयर में बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन आया नहीं है।
रियलिटी इंडेक्स से। बट आज के जो फॉल अगर आप देखेंगे तो ये जो मिड कैप काउंटर्स है ब्रिगेड और लोधा, इनमें प्रॉफिट बुकिंग है। बट अगर दूसरे हैवी वेट्स देखे जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है और डीएलएफ है, तो उनमें कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ से कोई भी फर्दर फॉल आता है, फर्दर डिप आता है, तो ये जो हैवी वेट काउंटर्स है जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, ये काफी एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में है और हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर जो है इनका इंटैक्ट है। तो कोई भी डिप्स रहेगी तो डिप्स में वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। ठीक है, तो ये है नजरिया डीएलएफ पर आता हुआ। बढ़ते हैं एक अहम खबर की ओर। सरकार के खजाने में केनरा बैंक का बड़ा योगदान है। केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 1838 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ सत्यनारायण राजू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को डिविडेंड का चेक सौंपा। ये डिविडेंड भुगतान केनरा बैंक के ग्राहकों और शेयर धारकों का बैंक के प्रति भरोसा और फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है। बैंक अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के जबरदस्त विस्तार से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और विकास को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभा रहा है। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शंस के चैंपियन आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक जी। सोनी जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति आपकी तरफ से क्या है? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहां पे ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहेंगे इंडिगो का 4400 कॉल ऑप्शन। आपको यहाँ पे बाय करने का रेंज है 65 से 67 के रेंज में, वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 54 का, पहला टारगेट रहेगा 80, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो दूसरा टारगेट यहाँ पे 90 रहेगा। लॉट साइज थोड़ा सा छोटा है, 300 का लॉट साइज है, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस के अनुसार यहाँ पे आपका रिस्क है 3600 के आसपास आपके यहाँ पे रिस्क बनेगा। और अगर व्यू सही जाता है और टारगेट 80 और 90 अचीव होता है, तो एवरेज टारगेट के अनुसार रिवॉर्ड यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो सकता है 9300 का। तो इंडिगो में आज हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे 4320-4330 के रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। इंट्राडे में अगर वो 4340-4345 लेवल को क्रॉस कर पाता है तो वहां पे उसका एक रेंज ब्रेकआउट आएगा, जिसके ऊपर वो 4400-4420 लेवल्स पे एक बार टेस्ट कर सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस। तो उसी पॉजिटिव आउटलुक को रखते हुए यहाँ पे 4400 कॉल ऑप्शन रेकमेंड करना चाहते हैं। ये सोनी जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो इंडिगो 4400 की कॉल ऑप्शन आपको खरीदनी है, 65-67 रुपए के आसपास आपको मिलेगी। लक्ष्य 80-90 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस आपको यहां पर 54 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 9300 तक का, नुकसान 3600 तक के हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी लेकर आते हैं, जो इसके जोखिमों के यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के जोखिमों के बारे में बताता है। तमाम जानकारी हमने आपसे साझा की है, इसलिए सलाह ये दी जाती है कि आपकी तैयारी पक्की हो, जानकारी बेहतर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इसमें टेक्निकली आप आगे बढ़े।